शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक महवास। कहते हैं शिव की भक्ति करे राम से द्रोह, राम की भक्ति करे शिव से द्रोह, निश्चित रूप से वो नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, जो भी इस रामेश्वर में आकर के गंगा जल चढ़ाता है और नहीं भी गंगा जल चढ़ा सके, वहां जाकर के केवल गंगा का स्नान करके जल चढ़ा दे तो भी गंगा जल का फल प्राप्त होता है, वो सायुज मुक्ति की प्राप्ति करता है, ऐसा भगवान ने। और भगवान ने भगवान के सामने वहां प्रकट हुए शिव जी से वरदान लिया राम जी ने और कहा प्रभु मैं जो ये युद्ध करने जा रहा हूं उसमें मुझे विजय मिले। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ राम तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। और भगवान से प्रार्थना किया राम जी से, राम जी ने हे प्रभु आप यहीं विनिवास कर लो और जो भी आए उसे आप अपना भक्ति उसे प्रदान करो, अपनी भक्ति दो और जो मन में लेकर के कामना आए उसकी वो कामना और भावना आप पूर्ण करो। इस तरह से रामेश्वरम की बड़ी ही सुंदर कथा है। जो बारहवां ज्योतिर्लिंग है घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह महाराष्ट्र के दौलताबाद के से 12 मील दूर बेलूर गांव के पास में विद्यमान है। वहाँ जो दक्षिण दिशा में पर्वत है देवगिरी पर्वत के पास में है, उस पर्वत के निकट भरद्वाज कुल के सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे और सुधर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े ही भगवान के परम भक्त थे और भगवान की नित्य पूजा करना, वेद पाठ आदि आदि से भगवान को प्रसन्न करना नित्य उनका कार्य था। उनकी एक पत्नी थी सुदेहा, वो भी भगवान शिव की जो है बड़ी पूजा करती थी लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। संतान न होने के कारण लेकिन अपने जो पीड़ा होती है तो होती ही है, लेकिन लोग क्या करते हैं अगल बगल वालों के ताने से भी परेशान हो जाते हैं। जिसके संतान ना हो तो बड़ा परेशान हो जाता है, लोग कहते हैं अरे तू तो बाझन है, क्या है क्या है, तरह तरह से लोग ताने मारते हैं। तो ऐसा ही था, सुदेहा ने कहा कि देखिए मेरी जो बहन है उसे आप दूसरा विवाह कर लो। सुधर्मा ने कहा देखो आज तो तुम ये कह रही हो कि विवाह कर लो, लेकिन कल जो आएगी सौतिया डाह भी शुरू हो जाएगा, तुम आपस में ही द्रोह करने लग जाओगी। सुदेहा ने कहा ऐसा नहीं होगा, और तो घुसना अपनी बहन से